इसके बीच में गैप होता है, अभी देखना आप। और एलपीजी ठंडी गैस होती है, पहली चीज़ तो टच करके देख लो आप। आ जाओ पास में, आ जाओ फटाफट, टच करो इसे, ठंडी गैस है। आ जाओ एक और, आ जाओ फटाफट, ठंडी गैस है। देखो बच्चों, इसके बीच में हमेशा गैप है, ये देखो है। हाथ जला गया मेरा, गैप होता क्योंकि इतना गैप गैस निकलती है। हमेशा कभी भी सिलेंडर में आग नहीं लगती है, गैस पे आग लगती है। और इसे बुझाने का तरीका ये है, देखो इसे हम अपने से, ठीक है बच्चों, हमने क्या किया इसे आसानी से बुझा लिया, क्लियर। इसकी हमने क्या किया, ऑक्सीजन कट दी। इन केस इसी तरह की पूरी इसमें लगता रहे या ऐसे लग जाए तब अब क्या करोगे, ऑक्सीजन कट करवाना होगा, क्लियर। सेम प्रोसेस अब इस पे लग जाए तो उसे नहीं लगेगा, क्लियर। ओके, ये सबसे लास्ट प्रोसेस, जब अपने पास कोई चारा नहीं बचेगा तब इस पे हम लगाएंगे, क्योंकि इधर यदि कुछ गड़बड़ भी हुआ तो नहीं बचेंगे हम भी, ठीक है। पर ऐसे फटना नहीं क्योंकि ये खाली है, चिंता मत करो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा। दूसरी चीज़, सिलेंडर कब फटता है, कंडीशन कैसी होती है, जब देखते हो ना सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कैसे ब्लास्ट हुआ, इसके पहले आसपास तो चीज़ें, ये कभी ब्लास्ट नहीं होते, पहली चीज़ ये, क्योंकि इसमें आग भी लगेगी तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ रबड़ होती है। जब भी सिलेंडर घर पे आता है ना तो कैसे चेक करते हैं, सीधा सा पानी ले लो, है ना, इसकी सील खोलो और इस पर डाल दो, लीकेज है तो वो बबल्स निकलेंगे, और यदि सही है तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक कुछ है। कोई बबल्स नहीं है, नहीं। यदि बबल्स है तो आप उस सिलेंडर को यूज़ मत करो, मतलब लीक है वो। इसके अंदर एक रबर होती है, सारे लोगों ने देखा वो रबर मेन है, वो जब जल जाता है लास्ट में, लास्ट स्टेज में, तब उसके बाद अंदर सीधा गैस ली आती है और ब्लास्ट चालू हो जाता है। आसपास क्या होता है, सिलेंडर जब भी हम घर पे रखते हैं अपने किचन में तो सामान काफ़ी रहता है, कहीं सब्जी रखी हुई है, कभी गैस या अदर चीज़ें रखी हुई हैं, राशन रखा हुआ है, आलू दाल चावल भी रखे रहते हैं, वो चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाइप में आग लगी, चलो जैसे ये चूल्हे में आग लगी, उसके आसपास सामान रखा था वो कूलर जल गया, तो उसकी वजह से ये हीट होता है बाहर से, फिर ये फटने की कंडीशन में आ जाता है, तब फटता है, ठीक है बच्चों। और यदि एक बार कभी भी लीकेज हो तो आप उसे नहीं मत करो, उसे हटा दो आप, ठीक है। लाओ अब पानी दो, पूरा रख पूरे जल के, पूरा पूरा अच्छे से जल से जल नहीं कर पाया था सर, मैं जाऊँ एक गल्स आ जाए कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना आप लोग बनाते हैं। वाटर का करते, बस हो गया, ठीक है ठीक है। इस पर पानी डाल के देखते, सर पानी के अंदर जलेगा, कुछ नहीं जलेगा, नहीं नहीं इसके अंदर से पानी जलेगा, ये देखो हो रहा है क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं बुझेगा क्या, ये नहीं बुझेगा, चलो हट गया, कोई मतलब नहीं ना, नहीं। पानी काम किया क्या इस पे, नहीं। बालू भी लाओ, गंदा करवा दोगे तुम लोग, ऐसा सफाई कर देंगे ना, डालते रहो कितना भी, या सीधा इस पे भी डाल दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होना है क्या, नहीं नहीं ना, तो सीधा सीधा इसके लिए यही ऑप्शन बचता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा और कुछ नहीं, ठीक है, तो कोशिश करो सिलेंडर के आसपास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हो घर पर आपके, है ना। और इसको कैसे बुझा सकते हैं, क्योंकि मम्मी लोग तो नहीं कर पाएंगी, तुम लोग कर सकते हो, तो एक CO2 एक्सटेंशन आता है, फायर एक्सटेंशन, ठंडा होता है एकदम, एकदम ठंडी गैस होती है उसको, CO2 बहुत ठंडी, इससे भी ज़्यादा ठंडी गैस होती है, इनके कहीं साफ है ना स्नेक, उसके ऊपर वो एक्सटेंशन यूज़ कर दो तो पकड़ जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा, वो हिल नहीं सकता फिर, है ना,
तो इसलिए वो यूज़ किया जाता है, उससे ये आग बुझ सकती है। बाकी अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाता है उसमें आप CO2 यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर पे आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आप CO2 यूज़ करोगे, क्योंकि